और यहाँ पे बोर्ड ने लिया है बड़ा फैसला। तो ये क्या फैसला है जिसके चलते यस बैंक के शेयरों में अब दोबारा से फिर से तेजी आ सकती है। पिछले ट्रेडिंग दो ट्रेडिंग से डे में आपने देखा यस बैंक का जो शेयर था 16 रुपये के भाव से तो यहाँ मार्केट चला गया था 19 रुपये। तो ज़बरदस्त मूवमेंट मार्केट के अंदर और ज़बरदस्त उछाल मार्केट के अंदर और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग फिर आज देखी गई। आज 19 रुपये और 10 पैसे से मार्केट सीधा ही 18 रुपये के नीचे चला गया। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और शेयर में सितंबर अगर देखें तो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं आया। जनवरी सितंबर तक 10% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन पिछले अगर देखें 3 महीने के अंदर तो 15% का रिटर्न शेयर में देखने को मिला है। और 2 दिनों की बात करें 2 दिन के अंदर 11% ज़्यादा का रिटर्न शेयर में देखने को मिला है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बैंक ने बताया कि बोर्ड के CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर का कार्यकाल यस बैंक ने बढ़ा दिया है। सुमित गुप्ता के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बोर्ड में के दोस्तों जो ऑफिसर है चीफ रिस्क ऑफिसर उनको हटाया नहीं गया, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उनके कार्य से यस बैंक का पर्सन हुआ है खुश हुआ है तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। और CNBC 18 को रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक्सेस ग्रुप है और चेयरमैन सुभाष चंद्रा के बीच 2 सालों से जो लड़ाई चल रही थी उसके संकेत मिले कि अब ये लड़ाई दोस्तों खत्म हो गई है। देखो यहाँ पे लड़ाई हो गई खत्म हो गई है जिसके चलते SL ग्रुप के साथ 6500 करोड़ रुपये बकाया थे कर्ज को लेकर एक समझौते पर सहमति जताई है। और जेसी फ्लोवर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यस बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन सहयोगी फर्म है जिसके चलते यस बैंक को 1500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यहाँ देख सकते हैं 6500 करोड़ रुपये यानी 25% यस बैंक को चुकाने होंगे क्योंकि 1500 करोड़ रुपये यस बैंक को मिलने की उम्मीद है। इन प्रॉफिट में DStv, जी रिलायंस सेंट्रल दिल्ली में एक बंगले सहित 3 प्रॉपर्टी भी शामिल है। जबकि यस बैंक को पैसा आएगा तो यस बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें जो जेसी फ्लोवर ARC ने इससे पहले यस बैंक को डिस्काउंट रेट पर एसेट हासिल किया था। दिसंबर 2022 में हुई डील के तहत इसने यस बैंक के 48,000 के बेड लोन को मात्र 11,183 करोड़ रुपये में खरीदा था। तो उसके बाद जेसी फ्लोवर और उसके सुभाष चंद्रा जी के साथ ये लड़ाई खींची गई। अब उस लड़ाई से भी यस बैंक को फायदा होने वाला, 1500 करोड़ रुपये यस बैंक को मिलने वाले हैं जो कि यस बैंक के लिए खुशखबरी है। कल के लिए यस बैंक के ट्रेडिंग सेशन किस प्रकार रहता है आपको टेक्निकल चार्ट पे बता देते हैं। टेक्निकल चार्ट पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 19 रुपये प्लस आज यस बैंक इंट्राडे में टारगेट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आप देख लीजिए 19 रुपये प्लस यस बैंक ने आज टारगेट दिखाया और आगे की रैली के लिए जो मैं 24 रुपये 25 रुपये के टारगेट दे रखे हैं वो वीडियो में लगातार मैं 2, 3, 4 वीडियो लगातार 2 ही दिनों में अपलोड कर चुका हूँ और उसमें एक ही लेवल बता रहा हूँ 18 रुपये और 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, सुना आपने क्लोजिंग। ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट की जो क्लोजिंग आती है, देखो ये मार्केट देखो ऊपर निकला फिर क्लोजिंग जो आई है नीचे, ठीक है। देखो मार्केट निकला ऊपर क्लोजिंग आई है नीचे, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर निकला लेकिन क्लोजिंग आई है देखो नीचे। तो मार्केट में इंट्राडे का मूवमेंट मैंने आपको बताया कि 19 रुपये प्लस मार्केट को आज टारगेट देखने को मिलेगा वो मिला, ठीक है। और अब जो मार्केट में अब 24 रुपये 25 रुपये की रैली आएगी जब तक मार्केट 18 रुपये ये जो लेवल दिखाई दे रहा है ना ये मदर कैंडल बेरिश कैंडल और पिछला जो लेवल पे आपको मैं दिखा देता हूँ ये देखिए आप पिछला लेवल देखो ये वाला लेवल है 18 रुपये 70 पैसे का लेवल है देखो ये, ठीक है वो सेम लेवल है। तो 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस हो गया है और 18 रुपये 70 पैसे के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी तो मार्केट में बिग वॉल्यूम फिर से बनेगा और मार्केट फटाक से आपको 20 रुपये और 21 रुपये की रेंज पकड़ता हुआ दिखाई देगा। वहाँ से फिर मार्केट दोबारा से एक ब्रेकआउट लेगा और मार्केट आपको 24 रुपये 25 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा जो कि आपको यहाँ पर टारगेट यहाँ साफ देखिए तो मार्केट 25 रुपये का ये टारगेट है। यहाँ पर जो मार्केट का ब्रेकआउट होगा यहाँ से देखो मार्केट सेटअप होगा इस गैपअप को फिल करने के लिए तो ये आएगी 20 से 21 रुपये की रेंज। ये मार्केट यहाँ इस रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट आ जाएगा देखो यहाँ इस रेंज पर मार्केट यहाँ जहाँ से मार्केट टूटा था 24 से 25 रुपए की रेंज में मार्केट आके टारगेट देगा। तो ये दोस्तों 2 टारगेट हैं मार्केट के लिए कि 21 रुपये 22 रुपये लेकिन अपना टारगेट तो आप 24-25 रुपये याद करके रखें लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 18 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग मार्केट की आनी चाहिए। अब कल इंट्राडे में मार्केट में यस बैंक में क्या हो सकता है, क्या कुछ 5% 10% का रिटर्न निकल के आ सकता है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं।
देखिए मार्केट में आज ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट के अंदर, मार्केट ऊपर का लेवल निकाला और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे दोस्तों इंट्राडे में मार्केट के लिए निकालना होगा कि मार्केट यस बैंक 18 रुपये और जैसे ही 20 पैसे मार्केट ब्रेक करता है 18 रुपये 20 पैसे, तो मार्केट में 18.50 और 19 रुपये और 19.50 के कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको टारगेट मिल सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट इसमें होगा 18.50 को निकालते ही मार्केट 18.50 और मार्केट फिर से वापस से 18.20 को निकालते ही 18.50 ये जो लेवल दिखाई दे रहा है ये लेवल, और ये 19 रुपये का जो लेवल है यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यहाँ तक मार्केट वापस से आने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन मार्केट में बन जाएगा, क्योंकि इस प्रकार ये मार्केट बनेगा डब्ल्यू पैटर्न, ये वाला देखो ये इस प्रकार मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है 18 20 को ब्रेक करते ही, दो टारगेट के अंदर दो टारगेट में लेगा ये 18 20 को ब्रेक करके 18.50 आएगा, वहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दे सकता है, फिर से 18.50 दोबारा से रिट्रेस मार्केट ब्रेक करेगा तो 19 रुपये वापस ये यहाँ तक जाने की उम्मीद है। जैसे 19 को ब्रेक करेगा तो मार्केट 19.50 वाला ये टारगेट भी दिखा सकता है। तो कल के मार्केट में तीन टारगेट आपको दिए गए हैं 18 20 को ब्रेक करने के बाद ही, ध्यान रखना ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, फिर नीचे ही घूमता रहेगा। 18.50 जैसे 18 20 ब्रेक हुआ तो 18.50 ये वाला लेवल, ठीक है, फिर 19 रुपये लेवल ये वाला, 19.50 ये वाला लेवल आपको दिख सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों आपका पैसा नहीं जाता तो आपका लाइक करने से आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए अच्छे अच्छे यानी कि लेटेस्ट अपडेट आपके लिए उपलब्ध कराते हैं मार्केट न्यूज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप फ्री में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आज बेहतरीन कॉल आज फिर से ज़बरदस्त प्रॉफिट कराया जो आपको दिखा, क्योंकि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आज का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट क्या गजब का प्रॉफिट है, 11:37 पर और 44,500 को जैसे ब्रेक किया आपको शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे दी गई और 44,410 का टारगेट रखा, तो एग्जैक्टली 44,408 ही आया है बैंक निफ्टी अपने टारगेट पर ही, और वहीं से मार्केट वापस बाउंस बैक होकर 44,500 मार्केट जाके सेटल हो गया। तो अपना टारगेट जहाँ टारगेट दिया वहीं पर मार्केट देखो टारगेट आया है, वहीं से मार्केट वापस चला जाता है। और 260 से जो टारगेट दिया गया 44,700 का, वो 310-355 के टारगेट लिए 310 पूरा ब्रेक किया और 339 तक मार्केट निकला, और देख सकते हैं लगभग यहाँ पे आपको 260 से 339 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट तक का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो वहाँ 250 क्योंकि 250 भी आपको मिल गया था, तो 90 पॉइंट के आपको टारगेट मिले ऑप्शन के अंदर। 90 पॉइंट का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जब 1000 क्वांटिटी यहाँ पे लगा के ट्रेड करते हैं या चलो आप 100 क्वांटिटी आप लगा के यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे आपके आराम से 100 × 90 तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं 9,000 रुपये आपके आराम से निकल के आ रहे हैं सिर्फ 100 क्वांटिटी के अंदर ही। 100 तो नहीं आएगी क्योंकि 105 आएगी या फिर आपको पता है 90 आएगी क्योंकि अभी 15 का लोड कर दिया ना, तो आप एक मैं एवरेज बता रहा हूँ 100 क्वांटिटी के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,000 रुपये। अगर 200 क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा के ट्रेड कर रहे हैं 200 क्वांटिटी मात्र 200 क्वांटिटी देख सकते हैं बहुत कम पैसे में आती है, तो यहाँ पे आप 218,000 रुपये या लगभग आप देख सकते 20,000 रुपये का आप यहाँ पे मूवमेंट आज यहाँ पे खींच चुके हैं। और इसी प्रकार आप 1000 क्वांटिटी लगाए तो कितना आप देख सकते हो उसके आप उतना रिटर्न आपको मिलता रहेगा। ये सारी कुल दोस्तों आपको मिल रही फ्री के अंदर, नंबर आप किस में पा रहे 7689871065 फ्री के अंदर है, लाइफ टाइम फ्री है। एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ऐड कर लिया जाएगा, मुझे आइए और हाई लिखिए। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।